yummy, yummy, yummy in that tummy. Yummy, 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 yum, yum, yum. Yummy, yummy, yummy in that tummy. Yummy, 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 yum, 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 yum. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी की बर्फ़ी। तो मैंने उसके लिए 250 ग्राम सूजी ली है, जिसको मैंने छान के यहाँ पे रख लिया था। चलिए तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने एक कटोरी देसी घी लिया है, जो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। आप अगर चाहें तो इसको बटर से भी बना सकते हैं। मैंने अब इसमें कढ़ाई में सूजी डाल दी है। अब हमें सूजी को ध्यान से अच्छे से भूनना है, ताकि ये जल ना जाए। हम सूजी को एक या दो मिनट तक ही भूनेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे। अगर हमने इसको ज़्यादा भून लिया तो ये ब्राउन हो जाएगी, जो कि हमें ब्राउन कलर नहीं चाहिए। बस हमें इसका थोड़ा कच्चापन, कच्ची स्मेल निकालनी है। बस ध्यान रखिए कि ये सूजी हमारी कढ़ाई में ना लग जाए। चलिए तो अब हम चाशनी बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक गिलास पानी लिया है, एक कटोरी चीनी ली है। अब हम चाशनी को अच्छे से पकाएंगे। सूजी हमारी भून के रेडी है। अब हम इसमें ये चाशनी मिक्स कर देंगे। चाशनी को हमें इसमें अच्छे से मिक्स करना है। जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता, तब तक हमें इसमें चम्मच ऐसे ही चलाना है। देखो, सूजी ने इस पानी को पी लिया है। अब हम थाली में घी लगाएंगे। अब हम सूजी को थाली में डाल देंगे बर्फ़ी बनाने के लिए। अच्छे से प्रेस करेंगे। अब हम इसमें थोड़े से हमने बादाम लिए थे, थोड़ा सा सूखा नारियल लिया था। अब हम इनको भी अच्छे से जमा देंगे। चलिए मैं आपको पीस काट के दिखाती हूँ। तो हमारी बर्फ़ी रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कमेंट में ज़रूर बताना।